फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के विस्तार से। वीडियो को शेयर करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। और ये सभी करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल, ये बनाया गया है दिल्ली में। और इसकी खास बात देखिए, इसको महज 12 दिन में तैयार कर दिया गया। और सबसे बड़ी इसकी विशेषताओं में देखिए, 1000 बेड, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 12 दिन में 1000 बेड वाला हॉस्पिटल तैयार करना, जिसमें से 250 आईसीयू बेड हैं। यानी अगर आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है तो 250 बेड उसके लिए अलग से निर्धारित किए गए हैं। और इसका निर्माण किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया है। और इसके सहयोगी रहे हैं इसमें गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय, आर्म्ड फोर्सेस और टाटा ट्रस्ट, इनके सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। और इसका संचालन है वो भी AFMS द्वारा किया जाएगा, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, इसके द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। जितने भी यहाँ पर डॉक्टर, सहायक कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी या नर्सेज जो भी होंगे, वो सारे के सारे आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस से होंगे। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सिविलियन सेवाएं नहीं देंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है केंद्र सरकार की। आगे बात करेंगे नमामि गंगे अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी जून 2014 में और अभी चर्चा में इसलिए है बिकॉज वर्ल्ड बैंक है ये 3000 करोड़ रुपये का ऋण इसको दे रहा है। जो 3000 करोड़ हैं वो किस काम में आएंगे? देखिए, ये उद्देश्य रखा गया है यहाँ पर कि गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनको स्वच्छ बनाना है। जैसे कि यमुना हो गई, रामगंगा हो गई, अन्य बहुत सारी हैं, कोसी है, गंडक है, काली, शारदा, ये सारी जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं इनको यहाँ पर स्वच्छ करने का लक्ष्य है वो रखा गया है। और कमेंट करके मुझे फटाफट आप ये बताइए विश्व बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है। दूसरी चीज कमेंट में ये बताइए कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ गंगा का अन्य नाम। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और जब ब्रह्मपुत्र, जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जब पद्मा और जमुना मिलती हैं तो उसके बाद में एक धारा बनती है, उस धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। उसके बाद आगे आपको देखना है गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा। देखिए, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। महर्षि वेदव्यास जयंती मनाई जाती है इस दिन और इन्होंने महाभारत की रचना की थी। अब वापस इस पे आते हैं। देखिए, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन महर्षि वेदव्यास की जयंती है। दूसरी चीज, आषाढ़ पूर्णिमा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आषाढ़ महीने में पड़ती है, तो आपको ये याद रखना है। आगे मैं बात करूंगा लिन डेन, ये चाइनीज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है और इन्होंने ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक भी जीते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साकेतांग वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर देखिए, पहले आप मैप देखिए, उसके साथ मैं आपको बता देता हूँ चाइना इस पर अपना दावा करता है। आगे मैप में अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। ये जो आप मैप देख रहे हैं नॉर्मल, इसके आप देखिए भूटान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है जो अरुणाचल प्रदेश और असम से लगता है, वहाँ पर पड़ता है साकेतांग वन्य जीव अभ्यारण्य।
और चाइना यहाँ पर अपना दावा पेश करता है कि ये जो क्षेत्र है वो हमारा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये इलीगल है, बिकॉज चाइना की किसी भी ओर से यहाँ पर बाउंड्री नहीं लगती है। लेकिन इसके पीछे चाइना का तर्क है कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का पार्ट है, वो उसको चाइना का पार्ट मानता है। इसी वजह से यहाँ पर वो डायरेक्ट असम होते हुए बांग्लादेश से कनेक्ट होने के लिए या फिर अपने जो ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए समुद्री रास्ते से जुड़ने के लिए वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जुड़ना चाहता है। इसके लिए वो यहाँ पर साकेतांग वन्य जीव अभयारण्य पर अपना ये जो एरिया है इसके ऊपर अपना दावा पेश कर रहा है ताकि वो डायरेक्ट असम से कनेक्ट हो सके। अभी उसके सामने चुनौती ये है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के पास और भूटान का ये जो साकेतांग वन्य जीव अभयारण्य है ये भूटान के पास में है। तो इस वजह से चाइना परेशान है और चाइना अरुणाचल प्रदेश और साकेतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों पर अपना दावा पेश कर रहा है ताकि वो डायरेक्ट इंडिया से कनेक्ट हो सके, यहाँ पर इस वाले एरिया को भी कब्जा कर सके। तो ये यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आज के अंक में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही जवाब भी आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मास्क वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ध्यान से सुनिए, मास्क वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज, डॉक्टर शैलजा वैद्य गुप्ता, डॉक्टर नीलिमा शर्मा या डॉक्टर जे एन प्रिहार? फटाफट इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।